अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना बताऊंगी मटन पाए। वेलकम टू फूड मोड किचन। ये जो आप मेरे हाथ में मीडियम साइज़ की प्याज देख रहे हैं, इसी साइज़ की मैंने दो प्याज़ें यहाँ कट करके रख ली हैं। यहाँ मेरे पास है 1 टेबल स्पून हल्दी, 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 4 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैंने लिए हैं बकरे के 5 पाए, जिनको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया हुआ है। यहाँ मैंने ले लिया है 1 अदद भगोना। इसके अंदर मैं सबसे पहले ऐड कर दूंगी पाए। पायों को मैंने धो के अच्छे तरीके से फ्रिज में रख दिया था, इस वजह से वो थोड़े जम से गए हैं। यहाँ मैं डाल रही हूँ पानी पायों में। आपको पाए में इतना पानी डालना है कि वो बिल्कुल डूब जाएं, क्योंकि पाए गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो इसलिए इसमें ज़्यादा पानी जाता है ताकि वो अच्छे तरीके से गल जाए और आपको बार बार उठ उठ के देखना ना पड़े कि आपने जो है वो कहीं जल ना जाए। अब यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे मैंने दूसरी दफ़ा पानी डाला है, अब मैं एक और दफ़ा पानी डालूँगी, तीसरी दफ़ा पानी डालूँगी, क्योंकि अभी भी ये पानी कम है। पाए को गलने में कम से कम बकरे के पाए को गलने में कम से कम 4-5 घंटे तो लगते हैं, इसलिए अब यहाँ मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर। अब यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ प्याज, जो कि मैंने काट कर रखी हुई थी। और अब यहाँ मैं डालूँगी 1/2 कप ऑयल। ऑयल आप 1/2 कप ही ऐड कीजिएगा, क्योंकि पायों में ऑलरेडी अपना ऑयल होता है, वो ऑयल रिलीज़ कर देते हैं पकने के टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे आपके पाए, इसलिए बहुत ज़्यादा शुरू शुरू में ऑयल मत ऐड कीजिएगा। अच्छी तरीके से मैंने हर मसाले ऐड करके चम्मच चला दिया और अब मैं ढक कर इसको पकाऊँगी 3 से 4 घंटे। पायों को पकते हुए 3 घंटे हो गए थे। अब मैं अगेन चेक कर रही हूँ कि कहाँ तक पाए गले या नहीं। तो अभी जो है वो पायों में थोड़ी कसर है। मैंने पायों में ऐड कर दिया था थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था मैंने पायों में। अभी भी पाए जो है ना उसमें कसर है। मैं इनको दोबारा से ढक्कन बंद कर ना 1 घंटा और पकाऊंगी। यहाँ मैंने कर दिया ढक्कन बंद, मैं आपसे मिलूंगी 1 घंटे बाद। हो गया था यहाँ पर 1 घंटा। अब मैं अगेन चेक कर रही हूँ कि पायों की पोजीशन क्या है। अब आप देखिए पायों का जो शोरबा है ना, वो काफ़ी गाढ़ा हो गया है और काफ़ी गर्मा गर्म पाए हैं, धुएँ निकल रहे हैं। यहाँ पे पायों का शोरबा देखें गाढ़ा हो गया, अलग से ही पता चल रहा है वीडियो में भी कि जो है वो कितना गाढ़ा हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, पायों में जो है वो अभी भी प्याज बाकी है। देखें प्याज नज़र आ रही होगी आपको, ये प्याज हमें बिल्कुल घुलानी है, यानी कि बिल्कुल ख़त्म कर देनी है। अभी पायों का शोरबा गाढ़ा हो गया है, मैं इसमें ऐड कर दूंगी और पानी और मैं इसको तेज़ आंच पे जब तक पकाऊंगी जब तक इसकी प्याज नहीं घुल जाती। बीच बीच में चेक करते रहेंगे कहीं ऐसा ना हो कि पाए लग जाएं। अच्छे तरीके से मैंने मिला दिया है इसको और अब जो है मैं कर दूंगी जो है ना इसको पकने दूंगी, ढक्कन बंद कर दूंगी, 40 मिनट और पकाएंगे हम इसको। यहाँ मैं कर रही हूँ, मैंने लिए हैं 3 प्याज़ें जिनको मैं कर रही हूँ फ्राई। ये मैं बना रही हूँ पायों के लिए भगार। तो और आप सोच रहे होंगे इतनी सारी प्याज, एक्चुअली में क्योंकि पायों के सिर्फ ऊपर से ही हमें प्याज डाल के और सारे लवाजमात डाल के खाने होते हैं, ये प्याज मैं एक्चुअली से फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं कोई और नेक्स्ट अभी जो मैं खाना बनाऊँगी उसमें मुझे फ्राई हुई भी प्याज ही मिल जाएगी, इसलिए अब मैं कर रही हूँ प्याज फ्राई। जब मेरी प्याज फ्राई हो जाएगी 10 से 15 मिनट बाद, तो फिर मैं आपसे मिलूँगी। हमें प्याज फ्राई करनी है क्रिस्पी फ्राई। यहाँ हो गई थी मेरी प्याज फ्राई, आपको नज़र आ रही होगी ज़बरदस्त सी। और यहाँ मेरे पाए भी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब मैं इन पायों को जो है ना डिश आउट करूँगी, लेकिन आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देनी है कि आपको कैसे लगते हैं मेरी रेसिपीज़। डू ट्राई दिस रेसिपी। और ये पाए पकाना बहुत आसान है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
अब यहाँ जो है मैं अब इसको करूँगी डिश आउट, और मैं आपको दिखाऊँगी इसका फाइनल लुक। और एक और चीज़ बता दूँ, मैंने पायो में ऐड कर दिया था नमक, हमारे घर लाइट नहीं थी तो वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। 1 टेबल स्पून नमक मैं ऐड कर चुकी थी, नमक मुझे कम लग रहा था तो मैंने यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून से भी कम ऐड किया है। आप अपने हिसाब से नमक को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं निकाल रही हूँ पाए, एक अच्छा सा मैंने बाउल ले लिया है, इसमें मैं गरम गरम पाए निकाल रही हूँ। फिर मैं इसको डिश आउट करने के बाद आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। यहाँ मैंने निकाल लिए हैं पाए, अब मैं पाए के ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग करूँगी। यहाँ मैं डाल रही हूँ हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें, और जो मैंने आपके सामने ही प्याज का भगार फ्राई किया था उसकी मैं सिर्फ प्याज ऐड कर रही हूँ, ऑयल नहीं ऐड करना है, सिर्फ प्याज यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ऐड कर दी है। और इसके ऊपर से मैं थोड़ी सी इसकी लुक बढ़ाने के लिए डालूंगी अदरक। आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब मैं कर रही हूँ वीडियो का एंड, आपने मुझे ज़रूर बताना है कि पाए आपको कैसे लगे। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आप लोग फूड मूड किचन को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।